थैंक यू वेरी मच किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों को आज इस मीटिंग में हम लोग स्वागत करते हैं एक बार जबरदस्त तालियों के साथ आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं जोरदार क्लैपिंग के साथ क्लैपिंग बजानी है तो मिश्रा जी जैसी बजाई वाह जबरदस्त एक डायलॉग है ना मुछे हो तो नथुलाल जैसी तो क्लैपिंग हो तो मिश्रा जी जैसी बहुत बढ़िया अभी छह सौ लोगों में चार पांच मिश्रा जी हो गए तो मैं सभी की तारीफ कर रहा हूँ पार्शियलिटी नहीं कर रहे ठीक है तो किशोर जी बहुत धन्यवाद आपने मीटिंग को स्टार्ट किया और दोस्तों आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं सबसे पहले रतन टाटा जी जो है वो आज हम कल के दिन में हमारे बीच नहीं रहे वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं एट्टी सिक्स ईयर्स की एज में कहते हैं कि उनका जीवन एक मिसाल है उन सभी लोगों के लिए जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं अपने लक्ष्य की तरफ किस तरीके से समर्पित हुआ जाए किस तरीके से अपने जीवन को ही पूरे के पूरे अपना लक्ष्य बना दिया जाए और दुनिया भर में सिर्फ इंडिया की बात नहीं है दुनिया भर में वो लाखों करोड़ों लोगों के आदर्श है जो बीमारी के कारण या फिर उम्र के हो जाने के कारण वो एटी सिक्स ईयर्स के एज में इस दुनिया को छोड़ के चले गए लेकिन उससे ज्यादा दुनिया याद रखेगी उनके सारे काम को किस तरीके से उन्होंने टाटा कंपनी को एक इंडस्ट्री बनाया किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में इस बड़ी कंपनी को और बड़ा बनाया और दुनिया में एक मिसाल कायम की हमारे देश का भी नाम रोशन किया सिर्फ अपने लिए काम नहीं किया देश के लोगों के लिए काम किया और हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया तो हम रतन टाटा जी को आज याद करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले उन्हीं के साथ साथ दोस्तों नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है तो आप लोग देख रहे हैं मैं पूरा गरबा ड्रेस में हूँ ठीक है और दुर्गा पूजा का भी माहौल चल रहा है तो पूरा फेस्टिवल का माहौल है तो हमने सोचा थोड़ा रंग में रंगा जाए ठीक है एटलीस्ट ड्रेस कोड के माध्यम से ये बताया जाए कि चलो भाई फेस्टिवल चल रहा है हम पूरी तरीके से उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं देखिए इंसान जो है ना उसको फील करने की ताकत दी है भगवान ने तो हर चीज को फील करना चाहिए जब आपके जीवन में कभी दुख भी आता है तो दिल खोल के रो लीजिए एक बार ठीक है उसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि रोने के साथ ही तो जीवन की शुरुआत होती है ठीक है ना बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है नहीं रोता तो टेंशन हो जाता है डॉक्टर को रोता क्यों नहीं है इसके लंग्स काम नहीं कर रहे फेफड़े काम नहीं कर रहे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है तो जिस तरीके से हम लोग उसमें कोई कंजूसी नहीं करते हैं ना उस तरीके से सेलिब्रेट करने में एंजॉय करने में भी कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए तो इस त्यौहार के मौके पे आप अपनी टीम के साथ भी बैठे उनके अगले लक्ष्य के बारे में बातचीत करें कि अगले साल जब दुर्गा पूजा आएगी अगले साल जब नवरात्रि आएगी अगले साल जब दिवाली आएगी तो आप किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप अपने परिवार को क्या गिफ्ट देना चाहते हैं आप खुद को कहाँ पे देखना चाहते हैं और उसके लिए अभी हमें अगले तीन सौ पैंसठ दिन यहाँ पे काम करना चाहिए ठीक है तो दोस्तों हमेशा की तरह आज की मीटिंग की शुरुआत भी एक कहानी के साथ करेंगे हमारे अहमदाबाद में गुजरात में अहमदाबाद शहर आप सब लोग जानते हैं अहमदाबाद में एक तालाब है कांकरिया तालाब बड़ा फेमस तालाब है मतलब पहले तो क्या था कांकरिया तालाब पूरा ओपन था वो तालाब का कोई बाउंड्री नहीं बनाया गया था लेकिन अभी तो पूरा का पूरा एरिया जो है उसको कोर्डन किया गया है ज़बरदस्त एक मतलब एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है ये जो लोग बाहर से आते हैं वो डेफिनेटली वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे बहुत सी एक्टिविटी वगैरह भी गेम्स वगैरह भी है तो पहले क्या होता था वहाँ पे सबसे ज़्यादा सुसाइड होते थे जिनको मरना होता था ना वो कांकरिया तालाब में जाके गिर जाता था क्योंकि उसका सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा था कि जितने लोग ट्राई करते थे तो उनमें से एटी नाइनटी परसेंट लोग लगभग लग मर ही जाते थे तो वहां पे क्या करते थे चौकीदार को हर सौ मीटर पे चौकीदार को खड़ा किया जाता था कि कोई अगर आपको ऐसा लगे जो सुसाइड करने वाला तो तुरंत तो उसको पकड़ो और उसको बचाओ तो उतने में देखा एक आदमी जो है वो दीवार पे चढ़ा हुआ है तालाब की छोटी सी एक दीवार थी उसके ऊपर चढ़ा हुआ है आंखों से आंसू बह रहे थे चौकीदार देख के समझ गया कि ये भाई आज सुसाइड करने वाले हैं तो जाके उसको पकड़ लिया पकड़ के नीचे उतर के दो चार्टे लगा दिए पहले तो मतलब मरने आया शर्म नहीं आती बैठो इधर बिठाया उसको पानी पानी पिलाया चाय बिस्किट खिलाया फिर उसको वो और जोर जोर से रोने लगा बोला कोई बात नहीं रोलो एक बार हल्का हो जाओ उसके बाद बोला भाई क्या प्रॉब्लम है बोला प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है कोई एक है तो बताओ बोला कोई बात नहीं बताओ जब तुम मरने आए तो कोई प्रॉब्लम ही होगा बड़ा बोला देखो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरे तीन बच्चे हैं तो उनका खर्चा मुझसे नहीं उठ रहा है दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरी सैलरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीस हजार है तो बीस हजार सैलरी में कैसे घर चलाऊं और इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरे ऊपर दो लाख रुपए का कर्जा है तो ये तीनों बात बोल के वो आदमी हल्का हो गया जब आदमी अपने प्रॉब्लम्स बता देता है ना समस्या बता देता है तो वो अंदर से हल्का हो जाता है खाली हो जाता है यहाँ पे इसलिए अपलाइन का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत से डाउनलाइन अपलाइन के पास आके खाली हो जाते हैं बहुत से लोग मुझे फोन करते हैं है। फिर बोलते हैं सर मुझे पता है मिनट हो गई है, लेकिन मैं क्या करूं मैं खाली होने के लिए फोन कर रहा हूँ आप एक बार सुन लीजिए मुझे भी पता है कि ये बातें अच्छी नहीं है लेकिन एक बार सुन लीजिए तो मेरा खाली हो जाएगा तो वो एकदम खाली हो गया वो एकदम थोड़ा शांत हो गया और वहां से उसने चलते बना चलो भाई कोई बात नहीं जीवन है चलता रहता है प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा जैसे वो दस कदम आगे बढ़ा पीछे से एक आवाज आई छपाक क्या हुआ चौकीदार कूद गया जो उसकी बात सुनना था ना उसने सुसाइड कर दिया क्योंकि उसने सोचा कि इसके तो तीन बच्चे मेरे तो चार बच्चे हैं इसका सैलरी तो बीस हजार है मेरी तो बारह हजार है इसको दो लाख का कर्जा है मेरा तो चार लाख का कर्जा है तो मुझे तो डेफिनेटली मर जाना चाहिए <laughs> तो ये क्या हो गया पूरा का पूरा टेंशन ट्रांसफर हो गया और ये आदमी मर गया अब ये कहानी से हमें एक बहुत जबरदस्त सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी भी जो तो दुखी आत्माएं होती है ना उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए मिला उनको तो बड़े दुखी थे मैं बोला क्या हो गया अरे यार जाने दो क्या बात बताया आपको कल शाम को मेरे बेटे को नौकरी लग गई वो मिठाई लेके आ गया पेड़े खाने पड़े बोलो तो इस बात पे दुखी है वो बोले ये तो छोड़ो दो दिन पहले मेरी बेटी की एंगेजमेंट हो गई फिर मिठाई खानी पड़ी उसके चार दिन पहले हमारे परिवार में एक छोटा बच्चा आ गया फिर मिठाई मिठाई खानी पड़ी इतनी खा खा के मैं परेशान हो गया इसको बोलते दुखी आत्मा ठीक है वो वो कभी भी सुख नहीं खुश नहीं हो सकते वो खुशी के मौके में भी ये लोग दुःख ढूंढ लेते हैं तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों ठीक है डेढ़ सौ करोड़ का हमारा देश है लोगों की कोई कमी नहीं है यहाँ पे लोग ही लोग लोगे आपको काले गोरे ऊंचे नाटे दुनिया प्रकार के लो, लोग मिलेंगे आपको तो ऐसे लोगों से जाके मिलिए जो लोग पॉजिटिव है जिनकी बातें आपको मोटिवेट करते पॉजिटिव करते ऐसे लोगों के साथ हमें अपना एसोसिएशन ज्यादा ज्यादा बढ़ाना चाहिए ये आज की कहानी का जो है कंक्लूजन है ठीक है अभी हम अपने टॉपिक पे जाते हैं सीक्रेट ये शब्द बड़ा जबरदस्त देखिए कुछ कुछ शब्द है ना वो हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं जिससे एक शब्द है सीक्रेट सीक्रेट की जब बात करते हैं ना लोग धीमी आवाज में बात करते हैं एक सीक्रेट की बात करो वो आवाज भी धीमी हो जाती है और सुनने वाले का कान ऑटोमेटिक है है अच्छा सीक्रेट बताइए ठीक है? तो एक शब्द है सीक्रेट दूसरा है टेक्निक और तीसरा है जादुई टेक्निक ठीक है तो मैंने तो एक वीडियो में बनाया था कि जादु टेक्निक ढूंढना बंद कर दीजिए क्योंकि ऐसी कोई जादुई टेक्निक है ही नहीं क्योंकि जादू अपने आप में बोलता है नजरों का धोखा किसी जादूगर से मिलिएगा कि भाई साहब आप ये पैसे कैसे निकालो उसमें कुछ था ही नहीं अगर आप इतने पैसे निकाल सकते हैं सौ सौ की नोट निकाल सकते हैं तो आपको काम करने की क्या जरूरत है तो वो बोलेगा भाई साहब वो नोट मैंने अंदर रखी थी लेकिन आपको पता नहीं चलेगा इस तरीके से मैं काम करता हूँ तो नजरों का धोखा है जादू और कुछ भी नहीं जादू नाम की चीज दुनिया में पॉसिबल है ही नहीं ठीक है तो जादू टेक्निक ढूंढना बंद कर दीजिए लेकिन हाँ सीक्रेट्स है ठीक है इसको हम लोग सिस्टम भी कह सकते हैं कि सफलता के सीक्रेट्स नहीं होते सिस्टम होती है लेकिन इसी सिस्टम को जब लोगों के सामने रखते हैं तो उनको सीक्रेट लगता है ठीक है तो ऐसी चीजों के ऊपर बात करेंगे और बहुत ही शानदार चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों आज का जो सेशन है ना सिर्फ आप इस अकेले सेशन को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे तब भी आप अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाओगे आप अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाओगे ज्यादा से ज्यादा एक साल दो साल के अंदर लोग आपसे सुनना शुरू कर देंगे कि जीवन में कामयाब कैसे होना है वहां तक आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे ठीक है तो पहला जो सबसे पहला सीक्रेट है वो है सिंक्रोनाइजेशन का सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि तीन चीजें हमारे साथ काम करती है ठीक है जिसमें सबसे पहली चीज है दूसरी और तीसरी mind, feelings, तो ये सॉरी माइंड इमोशन एंड बॉडी ये तीन चीजें एक आपका शरीर एक आपका दिमाग और एक आपकी भावना है आपका विचार अब ये तीनों चीजें जिस दिन एक डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगी ना उस दिन आपकी चीजें होना शुरू हो जाएंगी आपके काम बनना शुरू हो जाएगा आप जिधर भी हाथ डालोगे उधर काम होगा आपकी होम मीटिंग में लोग आना शुरू कर देंगे आपकी होम मीटिंग में लोग परचेस करना शुरू कर देंगे आपकी टीम में लोग जुड़ना शुरू कर देंगे आपकी टीम में डायमंड लगाना शुरू हो जाएगा आपकी टीम में ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा आपकी टीम मीटिंग में आना शुरू कर देगी आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा आपकी रॉयल्टी क्वालिफाई आना शुरू हो जाएगा आप धीरे धीरे करके पचास हजार फिर एक लाख इनकम की तरफ आगे बढ़ जाएंगे अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा माइंड बॉडी एंड इमोशन बहुत से लोग हैं जिनका दिमाग ये कहता है कि माइ रिचार्ज बिजनेस नंबर वन अगर इस बिजनेस को करेंगे तो हमारी जिंदगी हम सुनहरी बना सकते हैं हम जीवन में सफलता पा सकते हैं हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं लेकिन साथ में उनका बॉडी नहीं चल रहा है उनका बॉडी कोई दूसरी जगह पे है वो सुबह से शाम नौकरी में बिजी है दिमाग कह रहा है कि मायरी से कामयाबी हो सकती है लेकिन वो फिजिकली यहाँ प्रेजेंट नहीं है फिजिकली कितने प्रेजेंट है बहुत कम टाइम मुझे दिल्ली में एक भाई साहब मिले थे बोला सर मुझे माय रिचार्ज से महीने पांच लाख रुपया कमा तो मैंने बोला आप उसके लिए टाइम कितना देते बोला सर देखिए टाइम नहीं है मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पास मैं हर संडे दो घंटे माइ रिचार्ज करता हूँ तो मेरे पास कोई अगरबत्ती नहीं थी वरना मैं सच में उनको अगरबत्ती कर लेता आप जैसे महानुभाव कहा से आते हैं आप हफ्ते में दो घंटे काम करेंगे वहां पे जहां पे आपको महीने पांच लाख रुपया कमाना है और पूरा दिन वहां पे देंगे जहां पे आपकी बीस हजार की ड्यूटी है तो आपका माइंड एंड बॉडी होना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है तो यहाँ पे बॉडी को थोड़ा पावरफुल भी बनाना है कई बार क्या होता है आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन शरीर साथ नहीं देता आप दो प्लान दिखाने के बाद बॉडी बोलता है यार आप तो घर जाके सो जाओ बस बात ही खत्म हो गई ठीक है और इसका जबरदस्त आपस में एक रिलेशन है माइंड एंड बॉडी का जबरदस्त रिलेशन है साइंस तो यहां तक मानता है कि ये दो चीज अलग है ही नहीं साइंस यहां तक मानता है कि हमारा जो बॉडी वही है हमारा दिमाग है हमारा दिमाग का एक्सटेंडेड पार्ट है हाथ पैर ये सब दिमाग का एक्सटेंडेड पार्ट वो दोनों चीज अलग नहीं है दोनों चीज एक ही है ठीक है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं मान लीजिए कि एक आदमी आज बहुत थक गया इतना थक गया इतना थक गया कि वो ऑफिस में सोच रहा है कि आज घर जाके मैं सीधा ही सो जाऊंगा मुझे कपड़े भी नहीं बदलने मुझे फ्रेश भी नहीं होना मुझे खाना भी नहीं खाना मैं बस सो ही जाऊंगा जैसे ही वो ऑफिस से निकला उसको अपना बिस्तर दिखने लगा इतना थक गया रास्ते में दो बार तो आंखें बंद होगी इतनी नींद आ रही और घर आते आते उसको पता चला कि उसके घर को आग लग गई अब वो आदमी विद इन अ सेकेंड विद इन अ सेकेंड इतना एनर्जी से भर जाएगा वो दौड़ के जाएगा बाल्टिया भर भर के वो पानी जाएगा उसकी नींद जो है ना वो एक सेकंड में गायब हो जाएगी और अचानक से इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो पूरी रात जाकर रहेगा उस घर को बुझाने के लिए पूरी रात तो ये एनर्जी आती कहां से और वो नींद गई कहां वो आलस गई कहां वो थकान गई कहां पे और ये एनर्जी आई कहां से दोस्तों ये है माइंड एंड बॉडी का रिएक्शन आपके दिमाग में असीम शक्तियां हैं जितने लोगों को मीटिंग्स में नींद आती है ना वो दिमागी रूप से बोर फील कर चाहे वो ये मीटिंग हो चाहे वो दूसरा कोई मीटिंग हो चाहे वो कोई ट्रेनिंग मीटिंग ठीक है तो वो दिमागी रूप से जब आप अंदर से इंस्पायर करोगे तो आपका बॉडी उसको रिएक्ट करता है आपको गुस्सा आता है तो बॉडी रिएक्ट करता है आपको खुशी आती है हंसी आती है तो आप रिएक्ट करते हैं आपको दुख होता है तो आंखों से आंसू आते हैं ये बॉडी के सारे रिएक्शन है ठीक है तो आपका माइंड एंड बॉडी एक डायरेक्शन में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है तीसरी चीज है इमोशन बहुत से लोग हैं जिनका दिमाग तो ये कहता है कि हाँ अगर एक साल काम करेंगे तो एक लाख इनकम दो साल काम करेंगे तो एक लाख इनकम पे चले जाएंगे वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन उनको साइड में लेकर के जब पूछते हैं ना सर क्या लगता है सच में एक लाख आएगा बोला सर लगता तो नहीं एक लाख रुपया

आपका माइंड एंड बॉडी माइंड में है आप सुबह जूम मीटिंग भी अटेंड करते हैं आज दिन में दो लोग को प्लान भी दिखाओगे मीटिंग में भी जाओगे। लेकिन आपका अगर तेरे साथ कोई नहीं जुड़ने वाला तो आपका काम नहीं बन रहा ये जबरदस्त एक टेस्ट है आपको खुद के ऊपर अप्लाई करना चाहिए आपका दिमाग आपका शरीर और आपकी भावनाएं क्या एक डायरेक्शन में चल रही है किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जिस व्यक्ति की ये तीनों चीजें एक डायरेक्शन में चलती है ना वो कोई भी काम कर सकता है कोई भी काम कर सकते दुनिया का कोई भी काम आपको साइंटिस्ट बनना है तो साइंटिस्ट भी बन सकते हैं या इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है कि दुनिया में जितने भी लोगों ने कुछ महान काम किए शांत शायद उन्होंने आप इन ती, तीनों चीजों को एक चीज की तरफ डाला होगा तो जिस जिस दिन आपका माइंड आपका बॉडी आपका इमोशन तीनों मा रिचर्ज में चलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा उस दिन आप इस बिजनेस में एक नए रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जाएंगे आपकी टीम बिल्टअअप होती जाएगी आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग काम करते हैं अचानक से उनका काम बहुत बढ़िया चलने लग मुझे लोग मिला था ना कि सर वैसे तो ये सर हमारे सर तीन साथ तीन साल से काम कर लेकिन पिछले छह महीने से एक अलग ही व्यक्ति बन गया पिछले छह महीने से ये डायमंड क्लब कर रहे हैं ये खुद प्लान दिखा रहे हैं ये खुद मीटिंग कर रहे हैं ये होम मीटिंग में जा रहे हैं ये अपनी मीटिंग होम मीटिंग खुद कर रहे हैं ये छोटे छोटे सेमिनार भी करना इन्होंने शुरू कर दिया क्या हो गया छह महीने में क्योंकि अब इनकी तीनों चीजें जो है यहाँ पे सिंक्रोनाइज तो तो तब तक आप जो है स्ट्रगल करते रहोगे <coughs> वो सक्सेस होने की खिड़की बंद नहीं होगी लेकिन आप वो खिड़की के बाहर खड़े रहोगे बाहर से सफलता को देखते रहोगे अगर आपको सच में देखना है तो फिर आपको ये तीनों चीजों को एक करना पड़ेगा बहुत से लोग हैं जिनका यह सवाल होता है सर कभी कभी नेगेटिव हो जाता हूँ कभी कभी डाउन फील करता हूं सर ये होता है सर विश्वास नहीं आता ये सारी चीजों का प्रॉब्लम का ठीक है तो बॉडी को भी तैयार करना है उस रूप में तैयार करना है और इमोशनली आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा ठीक है ठीके? तो ये सबसे पहला सीक्रेट अब दूसरे सीक्रेट के ऊपर हम लोग बात करेंगे दूसरा जो सीक्रेट है ना वो है आपकी फिलोसोफी जिसको हम लोग फलसफा भी करते ठीक है फलसफा जो वर्ड है वो एक्चुअली फिलोसफी में से आया है ठीक है ये बनाया हुआ शब्द है हम लोग उसको हिंदी में फलसफा बोलते हैं लेकिन आपकी जो पर्सनल फिलोस है ना वो आपकी जीवन का स्टेयरिंग व्हील है जैसे गाड़ी में सबसे इंपोर्टेंट होता है उसका स्टेयरिंग व्हील जिधर मोड़ दिया गाड़ी पूरी गाड़ी उधर चल गई ठीक है आप एक जबरदस्त गाड़ी है मान लीजिए कि इंजिन टॉप क्लास है गाड़ी नई है पूरी डीजल से पेट्रोल से भरी हुई है जबरदस्त गाड़ी है लेकिन आपने उसको जो है खाई की तरफ मोड़ दिया तो अगले दस सेकंड के अंदर उसमें ब्लास्ट होगा आग लग जाएगी उसके अंदर बैठा हुआ आदमी भी मर जाएगा सोचिए डायरेक्शन का जीवन में कितना इंपॉर्टेंस ठीक है सही रास्ता था लेकिन हमने गलत रास्ता चुन दिया तो वो हमें बर्बादी की तरफ लेके जाएगा तो स्टेरिंग व्हील जो है ठीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक एक पल पे डिसाइड करता है कि अब मुझे लेफ्ट जाना है अब मुझे राइट जाना है अब मुझे सीधे जाना एक एक मोमेंट पे उसका इतना इंपोर्टेंस गाड़ी में टायर है एक बार हवा चेक कर ली पंचर ले सब कुछ ठीक है ओके अब इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है इंजन कंपनी ने लगा के दे दिया अब बार बार देखने की जरूरत नहीं है कि इंजन ठीक है इंजन ठीक है इंजन ठीक है, है नहीं ठीक है लेकिन ईच एंड एवरी मोमेंट वाइल आर ड्राइविंग योर कार यू हैव टू लुक योर डायरेक्शन आपको अपने स्टेयरिंग व्हील को कंटिन्यूसली उसको कुछ ना कुछ करते रहना तो आपके जो फिलोसफी ठीक है वो आपके जीवन का स्टेयरिंग व्हील है वो आपके एक एक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है जिस व्यक्ति की फिलोसफी पॉजिटिव है उसका डिसीजन अलग होगा वो सेम सिचुएशन में जिस व्यक्ति की फिलोसफी नेगेटिव है उसका डिसीजन कुछ अलग ही होगा शायद उल्टा डिसीजन तो आपकी पर्सनल फिलोसॉफी जो है इसके ऊपर आपको काम करना है देखिए बहुत भारी भारी ये शब्दों को मैं आपके सामने लेके आया हूं लेकिन दोस्तों काम भी तो भारी करना है जिंदगी में करोड़पति बनना है कामयाब होना है आप लोग गूगल जरूर कीजिएगा कि इंडिया में कितने लोग करोड़पति है ठीक है तो आपको उस कैटेगरी में अगर जाना है तो भी भारी भरकम रिजल्ट चाहिए तो भारी भरकम काम भी तो करना पड़ेगा तो आपको ना खुद को सवाल पूछना है कि मेरी फिलोसॉफी क्या है फिलोसॉफी से मेरा मतलब क्या है कि जब आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप कैसे रिएक्ट करते जब आपका अपलाइन आपको डांट तो आप कैसे रिएक्ट करते जब आपने जितना सोचा था उतना इनकम नहीं लिया तो आप कैसे रिएक्ट करते जब चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो आप कैसे रिएक्ट करते जब आपके सामने कोई नेगेटिव आदमी आ गया तो आप कैसे रिएक्ट करते आपके घर वाले जब किसी समय आपको सपोर्ट नहीं करते तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं किसी महीने आपका बिजनेस बहुत डाउन हो गया तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते ठीक है तो ये आपका जो फिलोसॉफी है ना वो कंटिन्यूसली डिसाइड करता है कि आपकी जिंदगी किस डायरेक्शन में जाएगी आपका बिजनेस किस डायरेक्शन में जाएगा और आपका ये सबसे बड़ा काम है अपने जीवन में अपनी फिलोसॉफी को बनाना इसके ऊपर काम करना खुद के ऊपर काम करना ठीक है जिस व्यक्ति ने इसके ऊपर काम किया ना जिसने अंदर देखा है ना उसने पूरी दुनिया जीत लिया दोस्तों तो सिर्फ बाहर ही बाहर चलता रहता है वो फिर बाहर के सोल्यूशन लगाता रहता है कोई बोलता है ये करो तो ये कर दिया वो करो तो वो कर दिया ये करो तो ये कर दिया उसका कोई इलाज नहीं क्योंकि आप एक महान व्यक्ति ने कहा है कि जब आप किसी व्यक्ति को अपनी समस्या बताते हैं ना तो इसमें एट्टी एट परसेंट लोगों को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है सो लोगों को अगर आप अपने प्रॉब्लम के बारे में बताओगे तो सौ में से एट लोगों को तो कोई कोई नहीं नहीं है कोई नहीं है इंटरेस्ट कि आप कितने प्रॉब्लम में हो वो बस सुनना आप वो सोच रहे हैं, आप कब बात खत्म करो और वो जाए यहां से ठीक है बाकी के सात परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको मजा आता है ये मैं नहीं कहता हूं ये सर्वे कहता है कि जब भी आप अपने प्रॉब्लम लोगों को बताते हैं तो सेवन परसेंट सेवन टू टेन परसेंट लोग ऐसे जिनको मजा आता है क्या अच्छा इतने प्रॉब्लम बहुत बहुत उड़ रहे थे जो जेन्यूनली इंटरेस्टेड है कि वो आपकी मदद करे लेकिन फिर उनकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए उनको भी ज्ञान होना चाहिए उनको भी पता होना चाहिए कि कैसे जो है वो आपकी मदद करेंगे तो अपनी समस्या लोगों को बताने का कोई मतलब नहीं हमें खुद के ऊपर काम करना चाहिए खुद अपने ऊपर काम करना चाहिए कि हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं किस तरीके से बिहेव करते हैं ठीक है ठीके? किसी रीजन से कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो उस टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं आप नेगेटिव होने के बाद फिर पॉजिटिव होते कि नहीं होते तो ये सारी चीजें आपकी फिलोसॉफी के ऊपर डिपेंड करता है तो आपकी पर्सनल फिलोसॉफी जो है वो सबसे बड़ा सीक्रेट है जिंदगी में कामयाब होने का आप दुनिया का कोई भी बिजनेस कर लीजिए आपकी फिलोसॉफी अगर लोगों से अलग है बेहतर है बेटर है तो आप कामयाब हो सकते हैं मैं कई बार लोगों से अपनी मीटिंग में पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग एक लाख कमाना चाहते हैं लोग हाथ ऊपर करते हैं सर दो लाख दो लाख कमाना है दो लाख ठीक है बहुत अच्छी बात है तो फिर मैं बोलता हूँ कि आप ऐसे कितने लोग को जानते हो जो एक लाख या दो लाख रुपया कमाए या फिर मान के चलिए कि आपके आसपास के जो सौ लोग हैं ठीक है आपके फैमिली में फ्रेंड्स में रिलेटिव में आपके नेबर्स में आपके सर्कल में सौ लोग हैं उसमें से कितने लोग एक लाख रुपया कमाए तो आप ये काम ना आप लोग को भी करना चाहिए ठीक है आप देखिए कि आप जिन सौ लोग को जानते हैं उनमें से कितने लोग एक लाख कमाते हैं तो आप देखेंगे इट इज नॉट सो में से एक आदमी भी आपको नहीं मिलेगा जो लाख रुपया कमा रहा है कभी दो सौ में से कभी तीन सौ में से कभी चार सौ में से कभी हजार में से भी एक हो सकता है ठीक है वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ कहा पे है ठीक है तो मान लीजिए हम फिर भी मान लेते कि सौ में से एक व्यक्ति जो है वो एक लाख रुपया कमा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमें वो करना है जो नाइनटी लोग नहीं कर पाते हमें वो करना है जो नाइनटी नाइन परसेंट लोग नहीं कर पाते सो में से एक आदमी कर पाता है ना लाख रुपए का नाइनटी नाइन परसेंट तो नहीं कर पाए अगर आप जिंदगी में दस लाख रुपया कमाना चाहते हैं तो आप खुद को सवाल पूछे क्या आपके पिताजी वहां पे पहुंचे आपके चाचा मामा फूफा मोसा पड़ोसी दोस्त दोस्त के पिता वो वहां पे पहुंचे नहीं पहुंचे तो जो कोई नहीं कर पाए वो आप करना चाहते हैं ना टारगेट आपने जबरदस्त सेट किया तो इसमें कोई गलत बात नहीं है लेकिन इसके सामने आपको ये मेंटली प्रिपरेशन अपने आप को प्रिपेयर भी करना पड़ेगा कि जो कोई नहीं कर पाया अगर वो मुझे करना है जो नाइनटी नाइन परसेंट लोग नहीं कर पाया अगर मुझे वो करना है तो मुझे पहले खुद को नाइन 99%, 99 उठाना पड़ेगा अब मैं उन्हीं लोगों की तरह सुबह आठ बजे उठूंगा उनकी तरह देर रात तक टीवी देखूंगा उनकी तरह पान की दुकान पे दो घंटे वेस्ट करूंगा उनकी तरह व्हाट्सअप वाट्सअप खेलता रहूंगा उनकी तरह मोबाइल में समय बर्बाद करूंगा उनकी तरह ड्रेसिंग करूंगा उनकी तरह जो है टीवी में समय बर्बाद करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी जिंदगी उनसे बेहतर हो जाए कैसे हो सकती है कभी हो ही नहीं सकती तो अगर हमें कैटेगरी में आना है ना तो पहले हमें खुद को वो नाइनटी नाइन परसेंट लोगों से ऊपर उठाना पड़ा ठीक है मैं हाल फिलहाल में एक स्टूडेंट से मिला था कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो माई रिचर्च कर रहे हैं तो उनके साथ काफी इंटरेक्शन हुआ हम लोग गाड़ी में साथ में थे तो इंटरेक्शन करते करते मैंने उनको सवाल पूछा कि आप आ, आ, माई रिचर्ज कब करते उन्होंने बोला सर जब मैं कॉलेज से आ जाता हूँ ना फिर मैं पूरा ही टाइम माई रिचर्च में लगा तो मैंने बोला आपके दोस्त क्या करते जो लोग नेटवर्किंग नहीं करते जो माई रिचर्च नहीं करते वो लोग क्या करते हैं बोला सर उनका तो मजा है सर कोई वॉलीबॉल खेलता है कोई फुटबॉल खेलता है कोई क्रिकेट खेलता है कोई टीवी देखता है कोई आराम करता है तो मैंने बोला आपको ये नहीं लगता कि यार आपने माई रिचार्ज कर रहे हैं तो आपको काम करना पड़ रहा है वो लोग को तो खेल खेलना पड़ रहा है बोला सर ये मुझे कई बार लगता है कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ इसलिए देखिए मैं टाई पहन के प्लान दिखा रहा हूँ और मेरे सारे दोस्त है वो तो खेल रहे वो तो टीवी देख रहे हो तो एंजॉय कर रहे हैं तो फिर मैंने उनको समझाया कि आप उनका आज देख रहे हैं आप अपना आज देख रहे हैं आप दस साल बाद की जिंदगी देखिए कि हो सकता है कि चार साल बाद पांच साल बाद वो लोग जो है ये पे जॉब ढूंढ रहे होंगे और आप लोगों को समझा रहे होंगे कि जिंदगी में तो जब ये बात आप सोचते हैं ना तब आपका क्लियर हो जाता है कि भी मुझे अपने टाइम को कैसे देना है है तो ईच एवरी मोमेंट पे आपके जो है ना कि आज मुझे क्या करना है आज मुझे समय कहां पे देना चाहिए मुझे इस व्यक्ति को कैसे बात करना चाहिए मुझे इस महीने कितना टारगेट सेट करना चाहिए ये सारी की सारी की चीजें आपकी फिलोसॉफी के ऊपर डिपेंड करती है आपके जीवन का जो जोरिंग व्हील है वो आपकी फिलोसॉफी अगर आप दुखी है अगर आप गलत फैसले ले रहे हैं अगर आप कमजोर डिसीजन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी फिलोसॉफी के ऊपर काम करने की जरूरत है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अंदर देखना पड़ेगा खुद से बात करनी पड़ेगी और सबसे पहले आप जैसे भी हो उसको एक्सेप्ट कीजिए जैसे भी हो पहला स्टेप है एक्सेप्ट करना अगर आप आपको प्लान दिखाते वक्त डर लग जाता है पसीना आ जाता है तो खुद से बात कीजिए कि हाँ मुझे प्लान दिखाने में डर लगता है और इसमें कोई गलत बात नहीं है नो प्रॉब्लम दिस इज फैक्ट ये हकीकत है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि आप चेहरा पहन के चलोगे ना तो नहीं चलेगा ये आप अंदर से कुछ अलग पर्सनालिटी और बाहर से कुछ अलग पर्सनालिटी तो नहीं चलेगा ठीक है ये पर्सनालिटी जो वर्ड है ना ये भी जबरदस्त वर्ड है ये पर्सनालिटी वर्ड परसोना के ऊपर से आया यूनान में मतलब पहले जो यूनान था बहुत साल पहले वहां पर पहले जो नाटक होते थे तो लोग अलग अलग किरदार निभाते थे ठीक है जैसे हमारे यहाँ पे मान लीजिए कोई राक्षस बना है कोई देवता बना उस टाइप का तो वो जो भी किरदार निभाते थे ना उसका मुखोटा पहनते थे

ठीक है तो पहले अगर आपको डर लगता है लोगों से बात करने में नो प्रॉब्लम लिखिए कि हाँ भाई मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है और ये मैं हूं नो no प्रॉब्लम मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं अब मुझे इसके ऊपर काम करना है कि ये धीरे धीरे कैसे सॉल्व होगा तो तुरंत उसी मोमेंट से आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं तो आपको अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना अपने एटीट्यूड के ऊपर काम करना है अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना है ठीक है क्योंकि तीसरा जो तो सीक्रेट है वो है दोस्तों बिलीफ सिस्टम देखिए सफलता की सीढ़ी हमने एक ट्रेनिंग भी बनाई थी लेडर ऑफ सक्सेस ठीक है जिसमें आपको चार स्टेप बताए थे चार स्टेप में कैसे आप लाखों इनकम तक जा सकते हैं ठीक है थीके? तो वो सीढ़ी का मतलब जो होता है ना उसमें तो आठ स्टेप थे कि पहले पहले आपको आपको क्या करना करना है पहले आपको जो है है जो अपना वाई क्लियर करना है, फिर मेंटल प्रिपरेशन है ठीक है उस टाइप से आठ स्टेप थे उसमें पहले चार स्टेप थे वो आपको प्रिपेयर करना है उसके बाद के चार स्टेप आपको काम कैसे करना है उसके ऊपर था तो सीढ़ी जो है वो हमेशा हमको सीढ़ी दिखाई देती है कि सफलता की सीढ़ी एक के बाद एक कदम चलते जाओ आगे बढ़ते जाओ लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि वो सफलता की सीढ़ी जो है वो जिस दीवार पे लगी वो दीवार ही कमजोर है तो क्या होगा आप सीढ़ी पे एक के बाद एक कदम चढ़ते जा रहे चढ़ते जा रहे फिर दस कदम चढ़ने के बाद पता चला सीढ़ी जिस दीवार पे लगी थी वो दीवार गिर गई तो जब दीवार गिरी तो सीढ़ी भी गिरेगी सीढ़ी गिरी तो आप भी गिरोगे ठीक है तो ये जो बेस है जो आधार है ना आपके पूरे के पूरे जीवन का जो आधार है ना वो आपकी बिलीफ सिस्टम है अगर बिलीव सिस्टम ही कमजोर है या बिलीव सिस्टम ही गलत है मान लीजिए कोई बिल्डिंग है वो का building, बीस माले का बिल्डिंग बिल्डिंग है 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 उसका बेस अगर गलत कमजोर तो ये बात फाइनल है कि ये बिल्डिंग गिरेगी गिरेगी ही गीरे. तो आप जो मेहनत कर रहे हो आप जो बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो आप लोगों को ला रहे हो बिजनेस में आप जो टीम बिल्डअप कर रहे हो उसका जो बेस है आपके कामयाबी का जो बेस है ना वो आपकी बिलीफ सिस्टम है ठीक है तो बिलीफ सिस्टम में कई सारी चीजें आती है दोस्तों जिसमें सबसे पहले आपका खुद के बारे में बिलीव क्या है आप खुद के बारे में क्या बिलीव कर ठीक है क्या आप कामयाब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते मैंने लगभग दो सेशन पहले एक टॉपिक लिया था कि सब कुछ होगा नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए एक अच्छी कंपनी चाहिए अच्छा प्लान चाहिए अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम चाहिए और अच्छा अपलाइन चाहिए ठीक है और मेहनत करनी पड़ेगी ये पांच छह चीजें जो बेसिक है जो किसी भी व्यक्ति को चाहिए लेकिन ये सब कुछ है आपके पास फिर भी आप कामयाब नहीं होगे क्यों क्योंकि आपको जब तक खुद के बारे में अगर ये सोच नहीं है कि हाँ मैं कामयाब हो सकता हूं मैं एक लाख रुपया कमा सकता हूं ये बिलीफ आप डेवलप नहीं करेंगे तब तक कोई चीजें काम नहीं करेंगे लोग आगे बढ़ेंगे लोग डायमंड डायरेक्टर बनेंगे लोग डबल डायमंड बनेंगे लोग क्राउन डायरेक्टर बनेंगे लोगों की गाड़ी आएगी लेकिन हम वहीं के वहीं रहेंगे अगर हमारी जो बिलीफ सिस्टम है हमें ये नहीं लगता कि हम यहाँ पे कामयाब हो सकते तो आपके खुद के बारे में बिलीव क्या है आप खुद से एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए ठीक है मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए मेरा घर कैसा होना चाहिए मेरी गाड़ी कैसी होनी चाहिए मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए लोन फ्री लाइफ होनी चाहिए बिना टेंशन की जिंदगी होनी चाहिए आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी बिलीफ सिस्टम ये सारी चीजें जुड़ी हुई है दोस्तों फिर आपकी बिलीफ अपने बिजनेस के बारे में कैसे अगर आपको एक आदमी बोलता है सर आपको पता है यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग कोई नहीं करेगा तो मैंने उनको प्यार से समझा दिया कि सर अगर जब तक ये बिलीफ आपका चेंज नहीं होता ना तब तक आप जितनी मेहनत करोगे सब बेकार है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग चलेगा माय रिचार्ज चलेगा लेकिन आपका काम नहीं चलेगा आपके साथ कोई नहीं जुड़ेगा क्योंकि आपकी बिलीफ बिलीफ सिस्टम उस तरीके से जो है ना वो एक ग्लास है मान लीजिए कि आपने लाल कलर का चश्मा पहना तो दुनिया आपको लाल दिखाई देगी आपने पीले कलर का चश्मा पहना तो दुनिया आपको पीली दिखाई देगी आपने ब्लू कलर का चश्मा पहना तो दुनिया आपको ब्लू दिखाई देगी तो आप बिलीफ के चश्मे से पूरी दुनिया को देख ठीक है तो आपका खुद के बारे में बिलीव क्या है इसको आपको लिखना पड़ेगा ठीक है आपका मायरी चर्च के बारे में बिलीव क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बिलीव क्या है आपका दुनिया के बारे में बिलीव क्या है कुछ लोग का बिलीव है सर ये दुनिया जो है ना बड़ी खराब है हर आदमी लुटेरा है तो वो किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पाएगा वो जिससे भी मिलेगा सोचेगा मुझे लूट लेगा क्योंकि उसकी बिलीफ सिस्टम ठीक है तो आपको अपनी बिलीफ सिस्टम बेस है मेहनत उसके बाद में आती है जब तक इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक जो है मुश्किल होगा आप धक्के खाते रहेंगे ठोक कर खाते रहेंगे कभी बिजनेस चढ़ गया फिर गिर गया फिर बहुत चल गया फिर रुक गया आपको अंदर से उस टाइप से सिंगल फ्लो नहीं आएगा जैसे पानी बहता है ना नदी कैसे बहती है अगर एकदम खाली मैदान है तो सबसे तेज रफ्तार से वहां पे नदी बहती है तो आपका बस वैसे हो गया सारे के सारे जो है वो ब्लॉकेज जो है वो खत्म हो जाएगा डॉक्टर कई बार बोलता है ना कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज ब्लॉकेज है तो क्या खून एकदम तेजी से जा नहीं रहा तो वो एकदम से तेजी से जाना शुरू कर देगा अच्छा यहाँ पे ना एक बहुत शानदार कहानी में आप सी नाव अंदर घुस रहा है तो उसने देखा कि नाव में पानी कहां से आ रहा है तो नाव में नीचे एक छोटा सा छेद था वो छेद में से नाव में पानी भर रहा है ये आदमी पहले तो पैनिक हो गया कि अब तो मैं डूब जाऊंगा मर जाऊंगा क्योंकि उसको तैरना आता नहीं था लेकिन एक मिनट के बाद वो थोड़ा शांत हुआ उसने देखा कि होल बहुत छोटा है पानी धीरे धीरे नाव में आ रहा है तो वहां पे एक छोटा सा बकेट था उसने बोला ये बकेट भर भर के अगर मैं नाव को खाली कर देता हूं तो फिर नाव में पानी भरने में लगभग पांच सात मिनट का टाइम लग जाएगा तो उतने टाइम में मैं क्या करूंगा नाव को थोड़ा सा किनारे की तरफ लेके जाऊंगा फिर पानी में एक बार निकाल दूंगा फिर थोड़ा सा किनारे की तरफ लेके जाऊंगा फिर पानी निकाल दूंगा फिर किनारे की तरफ तो ऐसे करते करते मैं बच सकता हूँ तो उसने ऐसा करना शुरू कर दिया धीरे 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 करके लगभग दस बार कोशिश करके वो किनारे पे चला गया अब जैसे ही वो किनारे पे पहुंचा उसने जैसे ही जमीन पे कदम रखा उसकी जान में जान आई वो भागा पीछे के देखा नहीं उसने तो पीछे से आवाज आई पीछे से आवाज आई कि भाई एक बार धन्यवाद तो कहते जाओ तो वो के देखा यार यहां पे कौन है मैं तो कब से चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ कोई आया नहीं ये आवाज किसकी तो वो पीछे मुड़ के देख रहा है कि यहाँ पे कोई है नहीं कौन बोल फिर वो नाव जो है उसने आवाज दिया कि इधर उधर मत देखो मैं नाव हूं मैं ही बात कर रही आप एक बार धन्यवाद तो कहते जाइए मैंने आपका जीवन बचाया तो वो आदमी ने बोला चलो कोई बात नहीं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरा जीवन बचाया लेकिन हकीकत एक ये भी है कि आज मैंने भी आपको बचाया क्योंकि अगर मैं नहीं होता तो आज आप नदी में डूबने वाले तो यहां पे आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए नाव ने इंसान को बचाया या इंसान ने नाव को बचाया किसने किसको बचाया तो अगर नाव यह बोले कि मेरी वजह से इंसान बच गया तो यह गलत भी नहीं है और सही भी नहीं पूरा सही भी नहीं है ठीक है और इंसान यह कह कहेगा कि सिर्फ मेरी वजह से नाव बच गई तो यह भी बिल्कुल ऐसा है तो हमारा जो बिजनेस है ना दोस्तों इसमें अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन ऐसा ही दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है दोनों को उतनी वैल्यू जितनी वैल्यू अपलाइन की उतनी डाउनलाइन की है अगर कोई सीनियर यह कि भाई मैंने जो किया खुद किया अगर मेरी टीम नहीं होती तब भी मैं कामयाब हो जाता तो ऐसा नहीं है और अगर कोई टीम यह कहे कि, कि मेरे अपलाइन जो है वो सिर्फ मेरी वजह से कामयाब है हम लोगों ने काम किया इसीलिए वो कामयाब हो ऐसा भी नहीं है तो यहाँ पे अकेला जो है ना वो मर जाएगा अगर नाव अकेली होती तो डूब जाती वो इंसान बिना नाव का होता नाव में बहुत बड़ा छेद हो जाता तो वो भी डूब जाता लेकिन यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है ना उसकी जीत तो कॉम्बिनेशन की जीत है जो कंबाइन होकर चलते हैं ना उसकी यहाँ पे जीत है तो जो आप डाउनलाइन का रिलेशन एकदम शानदार होता है वो यहाँ पे बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और वो रिलेशन आप लोग को बनाए रखना पड़ेगा देखिए रिलेशन तोड़ने में एक मिनट लगता है लेकिन बनाने में टाइम लगता है ठीक है तो वो आपको यहाँ पे बनाए रखना अब चौथा जो, जो सीक्रेट है ना दोस्तों सक्सेस का वो आप सबको पता है लेकिन हम उसको नजरअंदाज करते हैं वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पैसों की आजादी ये जो शब्द है ना इसमें बड़ा पावर है आप खाली एक बार सोच के देखिए कि अगर आप जो भी इनकम अभी कर रहे हैं आप जो भी इनकम कर रहे हैं चाहे आप पांच हजार कमा रहे हैं दस हजार कमा रहे आप बीस हजार कमा रहे अगर आपको तीन लाख रुपया हर महीने आना शुरू हो जाए अक्टूबर महीने से दो हजार चौबीस से अगर आपको तीन लाख रुपया हर महीने आना शुरू हो जाए तो क्या आपका जीवन वैसा ही रहेगा जैसा अभी है आपको जितना ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा टाइम इस विचार के पीछे डालना चाहिए आपको अपने दिमाग को मैं कहता हूं ना कि इमोशन माइंड बॉडी एंड इमोशन आपको अपने माइंड और इमोशन को इस विचारों में बार बार डालना चाहिए अगर मेरी इनकम तीन लाख होगी तो क्या क्या होगा कौन सी गाड़ी होगी कैसा घर होगा उसमें फर्नीचर कैसा होगा कौन से एरिया में होगा उसकी कीमत कितनी होगी मेरे बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे ठीक है जितना ज्यादा समय आप अपने दिमाग को और अपने इमोशन को इस विचार में डालते है ना आप उस दुनिया का निर्माण करना शुरू कर देते दोस्तों ये जो दुनिया है ना ये रहस्य से भरी हुई है उसमें भी सबसे ज्यादा रहस्यमान जो है वो हमारा दिमाग क्योंकि साइंस अभी तक दिमाग को पांच परसेंट से ज्यादा माप नहीं पाया समझ नहीं पाया उससे ज्यादा नहीं समझ पाया हम लोग कई बार बुक में पढ़ते हैं कि आइंस्टाइन ने अपने माइंड को कितना यूज किया था न्यूटन ने अपने माइंड को कितना यूज किया था दो परसेंट तीन परसेंट चार परसेंट अब वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे उन्होंने अगर चार चार परसेंट यूज किया है तो सोचिए हम लोगों ने कितना यूज किया होगा मेजोरिटी <laughs> लोग कितना यूज करते हो गे? कुछ लोग तो जिंदगी में बिल्कुल ही यूज नहीं करते वो ऊपर जाते हैं ना तो ऊपर उसका खोपड़ी खोला जाता है तो तुरंत वो दिमाग निकाल के किसी में डाल के फिर नया जन्म दे दो क्यों ये तो अनटच है लाइफ में कभी यूज ही नहीं हो इसका माइंड तो ये असीम शक्तियां दिमाग की आप एक बार ये करना शुरू कीजिए सोचना शुरू कीजिए कि की अगर आपकी इनकम एक लाख होगी तो अगर आपकी इनकम दो लाख होगी तो अगर आपकी इनकम तीन लाख होगी तो एक और में आपको यहां पे बताना चाहता हूं। आपको अपने जीवन के आज की डेट में जितनी भी समस्या है ना प्रॉब्लम लिखने सारे छोटे बड़े सारे प्रॉब्लम लिखने लिखिए फिर खुद को आप एक सवाल पूछिए कि अगर आपके इनकम तीन लाख है इनमें से कौन सा प्रॉब्लम टिकेगा इनमें से एक भी प्रॉब्लम नहीं टिकेगा दोस्तों ठीक है आपकी समस्या का कारण पैसा है कि नहीं ये मुझे नहीं पता लेकिन नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट समस्या का समाधान बिल्कुल पैसा है हंड्रेड परसेंट अगर आपकी इनकम तीन लाख होगी ना वो एक भी प्रॉब्लम की ताकत नहीं है कि आपके जीवन में आके वो खड़ा रहे नाइनटी नाइन परसेंट प्रॉब्लम जो है सो तो आपको अपने दिमाग को अपनी भावना को इससे भरना चाहिए चौबीस घंटे तीन लाख आने वाला जो भी आपका टारगेट है आप एक लाख भी सोच सकते हैं दो लाख भी सोच सकते हैं तीन लाख भी सोच सकते हैं जो लोग तीन लाख कमा रहे हैं वो लोग तीस लाख भी सोच सकते हैं ठीक है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आंकड़ा आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है ठीक है सोचने के को ऊपर कोई टैक्स नहीं है और ना कभी लगेगा ठीक है ये टोटली फ्री है दुनिया की दुनिया की जितनी भी कीमती चीजें ना वो टोटली फ्री है आपको पता है सोचना टोटली फ्री है भरोसा करना टोटली फ्री है हवा टोटली फ्री ऑक्सीजन जब एक आदमी बीमार होता है जब ऑक्सीजन की बोतल चढ़ाई जाती है ना तब उसकी कीमत पता चलती है कि यार ये तो कितना पैसा ले रहे हैं ऊपर वाले ने हमें टोटली फ्री में देखा ऑक्सीजन टोटली फ्री है उसके बाद सनलाइट टोटली फ्री है बारिश टोटली फ्री जितनी भी मूल्यवान चीजें दुनिया में सब कुछ फ्री है ठीक है तो आपको इसके ऊपर डेफिनेटली काम करना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है ना उसके बिना कोई सफलता पॉसिबल नहीं है दोस्तों

ये बड़ा जबरदस्त पावरफुल है कि जब तक आप अपने फील्ड में एक्सीलेंस नहीं लाओगे तब तक आप जो है रिजल्ट में भी एक्सीलेंस नहीं ला पाओगे तो किसी भी कामयाब व्यक्ति ने क्या किया है उसने अपने फील्ड के पॉइंट्स ढूंढे कि भाई मुझे अगर एक महान क्रिकेटर बनना है तो मुझे किस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा मुझे अपने बैटिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा मैं कैसे कैसे आउट हो रहा हूं मेरी वीकनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा आप कई बार जब कॉमेंट्री सुनते हैं ना जब क्रिकेट खेलते हैं तो कॉमेंट्रे सुनते हैं ना छोटी छोटी बातें वो लोग बताते हैं कि जब ये शॉट शॉर्ट उन्होंने मारा तो उनका हेड एकदम सीधा था या हेड गिर, गिर गया था इस... उनका बॉडी मूवमेंट बॉडी बैलेंस नहीं रहा इसलिए वो आउट हो गए छोटी छोटी चीजों के ऊपर वो लोग काम करते हैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम लोग जो क्रिकेट खेलते हैं तो शौक से खेलते हैं बल्ला लेके चले गए चलो भाई खेलना शुरू कर दो लेकिन जो लोग प्रोफेशनली खेलते हैं जिन्होंने इसको अपना प्रोफेशन बनाया करियर बनाया वो लोग छोटी छोटी, छोटी चीजों के ऊपर काम करते हैं ऐसे जो बॉलर होता है ना वो कैसे रन अप लेता है कैसे दौड़ना शुरू करता है फिर वो जब बॉल को छोड़ता है तो रिलीज के टाइम पे उसका हाथ कैसा है उसका हेड कैसे रहता है उसका पीछे वाला हाथ किधर जाता है ये सारी चीजों के ऊपर ये लोग काम करते हैं उनके स्पेशल कोचिस होते हैं जो ये चीजें ऑब्जर्व करते हैं उनको बताते हैं कि ये गलती हो रहा है ये नहीं हो रहा है ठीक है तो उसी तरीके से जैसे कोई मान लीजिए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है वो जमीने खरीदता है जमीने खरीदता है फिर उसका रेट बढ़ जाता है तो बेचता है ऐसे करके पैसा कमाता है तो वो क्या करेगा वो इन चीजों के ऊपर काम करेगा कि कौन से एरिया से हाईवे निकल रहा है कौन से एरिया में कब डेवलपमेंट होगा कहां पे रेट बढ़ने वाला है कहाँ पे अभी रेट जो है स्टेगनेंट हो गया है उसके ऊपर काम करता है ठीक है कोई बिल्डर है तो उसके ऊपर काम करता है बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी सीमेंट कहाँ से खरीदनी है मटेरियल कहाँ से लेके कौन डीलर है कौन अच्छे से काम करके देगा मार्केटिंग कैसे करना है मार्केटिंग करना है लड़के कैसे बिठाने हैं अपने बिजनेस के मास्टर बन जाते वो लोग तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें अपने बिजनेस के ऐसे जो पॉइंट्स है ना पहले उसको आइडेंटिफाई करना और उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर मास्टर लाना पर यही एक सीक्रेट है बस कामयाबी का खाली इतना कर लो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी खाली इतना कर लिया ना बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक अपनी जगह पे आके बैठ जाएगी दोस्तों तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती है उसमें एक चीज आती है कम्युनिकेशन क्या आप कम्युनिकेट कैसे करें सर मैं तो बहुत बढ़िया अपनी टीम को रोज सुबह फोन करता हूँ जबरदस्त मोटिवेट कर देता हूँ दोस्तों कम्युनिकेशन जो है ना हमारा नाइन्टी परसेंट कम्युनिकेशन जो है वो सबकॉन्शियसली चलता है टाइम जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपको ये नहीं पता कि आप कैसे बात कर रहे हैं आप उसके बारे में सोचते नहीं है कि आप सही तरीके से बात करते हैं आप बस बात करते हैं तो अब आपको इसके ऊपर काम करना है कि आप जब लोगों से बात करते हैं तो आपकी बात इफेक्टिव है कि नहीं आप जब लोगों से बात करते हैं तो आपका कंटेंट इफेक्टिव है कि नहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिव है कि नहीं आपकी बात करने से अगले व्यक्ति को मोटिवेशन मिलता है कि नहीं पॉजिटिव वाइब्स आते हैं कि आप अपने टीम के साथ तो जबरदस्त बात कर लेते हैं पांच मिनट जबरदस्त बात कर लेते हैं उसके बाद जब बस में जाते हैं ट्रेन में जाते हैं लोगों से मिलते हैं तब आप एकदम अलग तरीके से बात करेंगे तो क्या होगा कि आप वो टीम के साथ जो दस मिनट अच्छे से बात करने का जो नाटक कर रहे हैं ना वो भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो हमें अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा कैसे आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस बिजनेस के अंदर क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं तो आप कैसे व्यक्ति हैं वो व्यक्ति इस बात पे आकता है कि आपने उनके साथ बात कैसे की अगर आपने उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात की इम्प्रेसिव तरीके से बात की तो वो बोलेगा ये आदमी बड़ा जबरदस्त है ये भाई साहब बड़े जबरदस्त या फिर ये मैडम बड़े जबरदस्त इन्होंने क्या बात की तो आप कैसे व्यक्ति है आपकी पर्सनैलिटी कैसे ये सारी चीजें जो है वो आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कैसे कम्युनिकेट करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है तो आप इसके ऊपर काम करना चाहिए बिल्कुल काम करना चाहिए ठीक है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो वो डे बाय डे बेहतर होना चाहिए बढ़ता आगे बढ़ता रहना चाहिए दूसरी जो स्किल है वो है क्लोजिंग करने की स्किल दोस्तों तो आपने एक डायरी खरीदा उस डायरी में आपने लिस्ट में मेरा नाम लिखा कि भाई मुझे इस व्यक्ति को प्लान दिखाना फिर एक दिन टाइम निकाल के आपने मुझे फोन किया कॉन्टेक्ट किया बढ़िया तरीके से किया आपने इतना शानदार किया कि मैं आपका प्लान देखने के लिए आ गया मैंने आपका प्लान देखा आपने प्लान प्रेजेंटेशन भी जबरदस्त किया आपके पास टूल्स भी थे सब कुछ था आपने प्लान भी बढ़िया दिखाया लास्ट में मैंने आपके सामने एक ऑब्जेक्शन रख दिया कि चलिए सब कुछ तो बढ़िया है आज गुरुवार है हम लोग अगले गुरुवार से शुरू करते हैं और आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाए तो आपके रिजल्ट के रेशियो डाउन हो जाएगा मतलब जो पहले आपने डायरी खरीदा नाम लिखा कॉन्टेक्ट किया मीटिंग सेट किया प्लान दिखाया मेहनत किया एक घंटा बातचीत किया वो सारी की सारी मेहनत जो है ना वो परिणाम में परिवर्तित नहीं होता मैं आपको एक सिंपल बात बताता बताऊ मान लीजिए दो लोग राम और श्याम दोनों ही मेहनत करते हैं दोनों ही प्लान दिखाते हैं दोनों ही सब कुछ करते हैं ठीक है लेकिन राम जो है ना वो दस लोग को प्लान दिखाता है तो वो आठ लोग को जोड़ देता है क्योंकि उसकी क्लोजिंग में मास्टरी है तो पर श्याम जो है वो क्लोजिंग नहीं कर पाता उसको डर लग जाता है क्लोजिंग से उसको लगता है ये ना बोल देगा था ना बोल देगा तो कोई सवाल पूछेगा तो ऐसा होगा तो ऐसा करके वो आगे ही नहीं बढ़ता तो श्याम का क्या होता है दस में से एक या दो ज्वाइनिंग आती है अब आप एक साल बाद देखोगे ना तो राम जो है वो डायमंड से आगे निकल चुका होगा और श्याम अभी भी स्ट्रगल कर रहा है या तो शायद वो बिजनेस पे छोड़ चुका तो ये छोटी सी जो चीजें इससे इतना बड़ा फर्क क्रिएट करता है हमारे बिजनेस में सबसे वाइटल पार्ट है क्लोजिंग कई सारे लोग होम मीटिंग करते हैं एक व्यक्ति होम मीटिंग करता है वो मैसेज भेजते हैं सर दस हजार बीवी आया दूसरा व्यक्ति होम मीटिंग करता है सर अट्ठारह नए लोग थे आठ सौ बीवी आया अरे अट्ठारह नए लोग थे उनमें से तीन चार को अगर आपने ज्वाइन करा दिया दो हजार बीवी से तब भी तो आठ हजार बीवी आना चाहिए तो आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा आप सिर्फ ये सोचे नहीं सर होगा होगा एक दिन जरूर होगा अपने आप नहीं होने वाला तो आपको बैठना पड़ेगा अपने सीनियर के साथ कि सर ये कैसे करें जब अट्ठारह लोग नए बैठे तो कैसे चार पांच को उन्तीस वोट कैसे ज्वाइन करा इसीलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आप लोगों को डायमंड क्लब से ज्वाइन क्युं? मैं चाहता हूं कि आप वो स्किल डेवलप करें आप वो स्किल डेवलप करे की आप एक व्यक्ति के साथ बैठ के उसको छह हजार बीबी का प्रोडक्ट वन शॉट में दे सके आप उसको इतना भरोसा दिला पाए कि आपकी बात करने से वो व्यक्ति छह हजार बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले लिया या जो बोलता है ना सर आज मैंने एक व्यक्ति को प्लान दिखाया दस हजार बी का प्रोडक्ट लिया तो मुझे लगता है यार ये आदमी ने खुद के ऊपर बहुत काम किया है ये ऐसी बात बात कर रहा है कि लोग इसकी सुन के दस हजार तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों क्लोजिंग स्किल्स हमको डेवलप करनी है एक बार क्या हुआ शिव खेरा साहब जो है जिन्होंने बुक लिखी है जीत आपकी ठीक है वो पहले यूएस में जो है इंश्योरेंस सेल करते थे तो वो जिस कंपनी में इंश्योरेंस बेचते थे ना उसमें पॉलिसी मतलब बड़ा तगड़ा मिलता था तो वो नहीं बेच पाते थे उसको छोटी छोटी पॉलिसिया बेचते थे लेकिन कभी भी वन मिलियन डॉलर की उन्होंने पॉलिसी नहीं बेची थी लेकिन उसकी मतलब वो जो कंपनी में जहां जॉब करते थे वहां पे ऑफिस में एक लड़का था जो महीने में लगभग तो, पांच या दस पॉलिसी ऐसे बेचता है हर महीने दस पॉलिसी वन मिलियन की बेचता था फिर उसने डिसाइड किया कि आप मैं सिर्फ वन मिलियन की पॉलिसी बेचूंगा और कोई नहीं पॉलिसी बेचूंगा तो एक बार शिवखेड़ा साहब ने सोचा यार इसको जाके पूछता हूँ ये क्या करता है ये ऐसा तो क्या करता है कि ये हर महीने है दस लोग को ये पॉलिसी बेचता है और मैं अभी तक एक को भी नहीं बेच पा रहा हूँ और इसकी इनकम ये भी सेम काम कर रहा है इंश्योरेंस बेच रहा है मैं भी सेम काम कर रहा हूँ मैं भी इंश्योरेंस बेच रहा हूँ इसकी इनकम दस गुना है मेरी इनकम तो उससे दस गुना कम है तो उन्होंने जाके पूछा कि भाई आप सीक्रेट बताइए आप क्या करते हैं तो उसने बोला मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा पहले मैं आपके बारे में पूछूंगा क्या आपके पास वो पॉलिसी है जो आप बेचना चाहते हैं आपने खुद खरीदी है बोला मैंने खुद नहीं खरीदी तो बोला आप नहीं बेच पाओगे जो चीज के लिए आप खुद कन्विंस नहीं है ना उसके लिए आप दूसरों को कन्विंस नहीं कर पाओगे तब ये बहुत बड़ा सीक्रेट है सेलिंग का ये बहुत बड़ा सीक्रेट अगर आप खुद डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं ना तो आप दूसरों को डायमंड क्लब कराओ ये तो कोई तुक्के से हो गया तो बात अलग बाकी नहीं हो जाए ठीक है तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम चाहते लोग छह हजार बीबी से ज्वाइन करें तो पहले हमें छह हजार बीबी करना पड़ेगा इसीलिए जो लोग छह हजार बीबी करते हैं ना जो डायमंड क्लब करते हैं ना उनको मैं थोड़ा सा एक अलग पॉजिटिव नजर से देखता हूँ थोड़ा और पॉजिटिव देखता हूँ मैं दूसरों को नेगेटिव नहीं देखता हूँ लेकिन उनको मैं देखता हूँ कि यार ये वो लोग जिन्होंने पहले तो खुद को कन्विंस किया कि हाँ भाई मैं ये छह हजार बीवी का प्रोडक्ट ले सकता हूँ भी करूंगा मैं मांगोल भी यूज करूंगा और मैं जरूरत पड़ी तो एक दो मांगोल सेल भी कर सकता हूँ तो कम काम करना पड़ेगा मुझे इनको डायरेक्टली बताना करना ठीक है और जो लोग नहीं कर पा रहे ना मतलब एक सिम एक सीधा सा मैसेज जाता है कि ये वो लोग है जिन्होंने अभी तक वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं किया है कि सर अगर हम छह हजार बीवी का प्रोडक्ट लेंगे तो हम या तो खुद यूज कर देंगे या इसको शेयर कर देंगे दूसरे लोगों को इतना कॉन्फिडेंस गेन अभी तक नहीं किया तो अभी वहीं पे काम कर क्योंकि जब तक फर्स्ट स्टैंडर्ड पास नहीं करोगे सेकंड सेकंड स्टैंडर्ड में नहीं नहीं जा पाएंगे जब तक को पास करोगे थर्ड में नहीं जा पाएंगे तो ये दोस्तों ये ये जो चीज है ना ये आपके भले के लिए मैं बता रहा क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे कॉमन गोल की वजह से हम सब लोग ग्रो करना चाहते हैं आप ग्रो करना चाहते हैं आप क्यों सुबह साढ़े छह बजे कैमरा ऑन करके बैठे क्योंकि आप ग्रो करना चाहते हैं आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं आप अपने जो है रैंक को भी बढ़ाना चाहते हैं मैं क्यों यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि आप ग्रो होना चाहते हो मैं भी ग्रो होना चाहता हूँ हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं कंपनी आपके साथ क्यों कंपनी भी ग्रो होना चाहते हमारा कॉमन गोल है कि हम लोग जिंदगी में ग्रो करें अपने परिवार को वो जिंदगी दे जिसके वो हकदार तो वो ग्रोथ का ये स्टेप है जब तक आप रुके हो ना यहाँ पे तब तक आप रुके रहो आपको ये दरवाजा खोल के आगे बढ़ना पड़ेगा आप लोग पहले जब मोबाइल नया नया एंड्रॉयड आया था तो लोग वीडियो गेम बहुत ज्यादा खेलते थे आज भी खेलते हो इतने नहीं खेलते हो वीडियो गेम में आपने देखा होगा लेवल्स आते हैं कि, है। कि भाई ये लेवल पास करो तो अगला जाओगे फिर ये लेवल पास करो तो अगला जाओगे फिर ये पास करो तो अगला जाओगे ठीक है तो आप मान के चलो ये एक लेवल है डायमंड क्लब करना एक लेवल है ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि करना ही पड़ेगा लेकिन एज ए ट्रेनर आप आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको तेजी से ग्रो करना है ना अगर आपको सच में तीन साल चार साल में कामयाब होना है तो ये करना पड़ेगा ये करोगे तो आपकी जीवन आपका जीवन बदल जाएगा आपकी इनकम बढ़ जाएगी आपकी टीम में ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा तो ये कॉन्फिडेंस हमें गेन करना है कि भाई हम 6000 हजार बीबी का प्रोडक्ट पहली तारीख को दूसरी तारीख को ले हम अपने घर में प्रोडक्ट को यूज करें हम एक मांगोल खुद यूज करें और एक मांगोल अगर हम लोग सेल कर देते पूरे महीने में तब भी छह हजार तो को कन्विंस कर पाऊंगा तो क्लोजिंग का भी, भी बिल्कुल ऐसा ही है ठीक है अगर आप पूरी तरीके से कन्विंस है कि ये बिजनेस करना चाहिए इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग शानदार बिजनेस है आप दूसरों को ये बात समझा पाओ अगर आपको दूसरों को ये बात समझाने में कष्ट हो रहा है दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं आप अभी खुद कन्विंस नहीं कुछ लोग बोलते हैं ना सर ये कन्विंस करने का बिजनेस हाँ बिल्कुल ये कन्विंस करने का बिजनेस है लेकिन यहाँ पे दुनिया को कन्विंस नहीं करना है एक आदमी को कन्विंस करना है वो है खुद को अच्छा एक औरत को कन्विंस करना है वो खुद को वरना इस मीटिंग में जो महिलाएं बैठी हुआ बुरा मान जाएगी बोला सर आप तो सिर्फ आदमी की बात करते हैं आपको पता है हम लोग ज्यादा ओम मीटिंग करते हैं हैं सर बोलते हैं मा रिचर्च में सिक्सटी तो महिला है आप कहाँ फोर्टी लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ठीक है तो जो भी ठीक तो है तो आप अगर खुद कन्विंस है तो आप दूसरे लोगों को इजीली कन्विंस कर पाएंगे तो ये जो बिजनेस है ये कन्विंस करने का बिजनेस है लेकिन हमें खुद को कन्विंस करना है जिस दिन आपका माइंड ये कन्विंस हो गया कि आपकी इनकम एक लाख होनी चाहिए उस दिन से एक लाख रुपया दूर नहीं है ठीक है ये आप एकदम पूरी तरीके से अपने माइंड में सेट कर लीजिए तो ये जो सीक्रेट है क्लोजिंग आपको मास्टर बनना ही है इसका हंड्रेड इसको आपने आपने 2024 का एक टारगेट बना लीजिए कि 2024 के दिसंबर 31 तक मुझे ऐसा व्यक्ति बन जाना है कि अगर मैं किसी के साथ बैठ जाऊं और मैंने डिसाइड कर लिया इसको ज्वाइन कराने और आज और अब भी कराना मैं करा के खड़ा हो जाऊं अगर ये आपने टारगेट सेट कर लिया आप अपनी किस्मत को पंख लगा देंगे दोस्तों आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे अगले एक साल में ये जो ड्रीम अनलिमिटेड प्लान है ना दोस्तों जैसे 2024 में बारिश रुकने का टाइम नहीं ले रहे तरीके से आपकी इनकम कभी रुकने का टाइम नहीं लेगी हर पांचवे दिन आपके अकाउंट में पैसा इतना शानदार प्लान लेकिन क्लोजिंग का मास्टर होना पड़ेगा जब तक क्लोजिंग का मास्टर नहीं होगा तब तक धक्का गाड़ी चलेगी कोई आके धक्का मार दिया फिर धक्का कोई मार दिया फिर धक्का मार दिया फिर कभी आपने धक्का मार दिया ऐसे करते 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 गाड़ी चला तो ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है अब लास्ट सीक्रेट के ऊपर जाते हैं दोस्तों और ये डे टू डे में करने वाली चीज है और वो सीक्रेट है अपने टाइम को मैनेज करने सारी चीजें कहां पे आ जाएगी ये जितनी भी बातें हम लोग कर रहे हैं आपको जो सिखा रहे हैं बातचीत को उसको अल्टीमेटली तो आपको इंप्लीमेंट करना है ना ठीक है तो इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आज के दिन में कैसे इंप्लीमेंट करें कल कैसे इंप्लीमेंट करें परसों कैसे इंप्लीमेंट करें अगले हफ्ते कैसे इंप्लीमेंट करें तो ये जो एक एक दिन है ना दोस्तों एक एक दिन वो बड़ी सीक्रेट की बात है कि एक एक दिन को आप कैसे मैनेज करते जिसने एक दिन को सक्सेसफुली प्लान करना सीख लिया तो प्लान कर लिया जिसने एक वीक को सक्सेसफुली पास कर दिया उसको चार बार रिपीट करेगा तो पूरा महीना आपका सक्सेसफुल हो गया वो एक महीना जो सक्सेसफुल हो गया उसको बारह बार रिपीट करोगे तो पूरा एक साल सक्सेसफुल हो गया और उसी प्रोसेस को दो या तीन बार करोगे तो मायरिच में तो करोड़पति बन जाते हो आप जो तीन साल सही तरीके से काम कर लेगा ना उसकी तो यहाँ पे जिंदगी बन जाती है दोस्तों तो आपको ना रोज रात को खुद को एक सवाल पूछना है कि आज का मेरा दिन कैसा रहा क्या आज के दिन में मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था नहीं सर आज तो एक्चुअली मुझे तीन प्लान करने थे लेकिन एक्चुअली ये हो गया वो ये एक्चुअली वर्ड बहुत जो है ना वो खराब है ये एक्चुअली के बाद ज्यादातर आदमी बहाना ही बताता है सर आप मुझे फोन करने वाले थे क्या हुआ नहीं सर वो एक्चुअली ऐसा हुआ एक्चुअली आ गया तो उसके बाद आदमी ज्यादातर क्या बोलता है? बोलता है 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 झूठ ही ठीक तो आप जब रात को सोते हो उस टाइम पे आपको लग रहा है कि हाँ, आज बढ़िया काम हुआ कई बार होता है ना कि सर आज काम जब होता आज मजा आ गया सर आज जबरदस्त काम हुआ आज तीन प्लान हुए एक आदमी जुड़ गया आज एक होम मीटिंग का प्लानिंग भी हो गया दो लोगों ने पास भी ले लिया आज बढ़िया काम हुआ सर ये फीलिंग अगर आपको रोज रात को आती है ना फिर देखिए कैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है आपको दिखेगा आपके स्ट्रक्चर पे दिखेगा आपके ई वॉलेट में दिखेगा आपके रैंक में दिखेगा सारी चीज आप ऑफर अचीव करना शुरू कर दोगे आप फॉरेन ट्रिप भी अचीव करना शुरू कर दोगे आप डायमंड की तरफ आगे बढ़ जाओगे आपकी इनकम धीरे धीरे करके तो पचास हजार पड़ोस कर जाएगी तो आपको ना ये चीज देखना है अब इसको सात दिन करके देखिए पहला दिन क्या हुआ आज शाम को देखिए मजा आया मजा आने से मेरा मतलब ये नहीं कि रिजल्ट आएगा, लेकिन आज का दिन अच्छे से पास हुआ आज जो जो सोचा था जो जो प्लानिंग किया था वो हुआ, हुआ हुआ? आज के दिन में बढ़िया काम कि नहीं हुआ? अगर हुआ तो नहीं हुआ तो ना तो धीरे धीरे ये इंप्रूवमेंट आएगा क्योंकि बहुत सिंपल फंडा है goes, आपका फोकस अगर यहाँ पे चला गया कि मुझे एक एक दिन को सक्सेसफुल तरीके से बिताना एक एक दिन को बढ़िया तरीके से काम करना है तो आप ना पूरा दिन ये सोचना शुरू करो जैसे आज आपने लिखा नो आज मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरा क्योंकि आज मेरे तीन मीटिंग कैंसिल हो गए तो कल जब आप मीटिंग सेट करोगे ना तो आपके दिमाग में ये प्रायोरिटी रहेगी कि आज की मीटिंग कैंसिल नहीं होने चाहिए क्योंकि रात को मुझे फिर नो लिखना पड़ेगा वो वो नौ लिखना बहुत ही पेनफुल है दोस्तों और जितना पेनफुल है ना नो लिखना उतना ही मजेदार मजेदारिख ठीक है तो पहले दस दिन में मान लीजिए कि आपने छह दिन लिखा नो कि आज का दिन ऐसा नहीं गया जैसा जाना चाहिए चार दिन लिखा यस अगले दस दिन में क्या होगा पता है दिन दिन आपका यस होगा चार दिन होगा छो ऐसे करते 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 आप इसको अगर एक महीने करते हो ना या दो महीने करते हो ना फिर आपको लिखने की भी जरूरत फिर आपका माइंड इतना एक्टिव हो जाएगा कि जब आप किसी काम को पोस्टपोन कर रहे ना उसी टाइम पे आपको हथौड़ा लगेगा यहाँ पे भाई इसको पोस्टपोन मत करो क्यों रात को फिर नौ लिखना पड़ेगा जब आप किसी का फोन नहीं उठाते हैं ना जो बोल रहा है सर मैं दो लोग लेके आ रहा हूँ तो उसी टाइम पे आप बोलोगे इसका फोन उठाना पड़ेगा वरना रात को नो लिखना पड़ेगा आज तो कोई काम हुआ नहीं आज तो कोई प्लान हुआ नहीं तो अपने टाइम को मैनेज करना पड़ा था और टाइम को मैनेज करने के लिए सिंपल काम करना है आज के दिन के जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसको सबसे पहले निपटा दो अगर आपकी इम्पोर्टेंट टास्क जो है वो शाम को है लेट नाइट को है जैसे दस बजे हो मीटिंग है नौ बजे हो मीटिंग है तो उसके टाइम फिक्स कर दो उसके टाइम स्लॉट फिक्स कर दो कि ये जो टाइम है इस टाइम में मुझे और कुछ करना ही नहीं लेकिन साइंस तो ये कहता है कि हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी जो मॉर्निंग के टाइम पे होती है क्योंकि हम पूरी रात हमारा दिमाग जो आराम करके आया हम सो के आए बॉडी पूरा रेस्ट करके आए तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है और सबसे वो शाम होते होते एनर्जी जो है वो खत्म होती जाती है तो जितने भी इंपॉर्टेंट काम है उसमें से जितने आप सुबह के टाइम पे रखेंगे लोगों को जैसे मान लीजिए किसी का लिस्ट बिल्ड करना है या सुबह में किसी को प्लान दिखा देना है

फिर ऐसे गर्दन करो मतलब नहीं मुझे नहीं खाना ये एक्सरसाइज जो भी व्यक्ति करता है ना उसका वजन कम होता है ठीक है दूसरा एक्सरसाइज है भाई आप स्विमिंग शुरू कर दो एक घंटा स्विमिंग करो तब भी वजन कम होगा तीसरा है कि भाई आप जो है चीज खाना बटर खाना मीठा खाना कम कर दो ये भी एक सीक्रेट हो गया चौथा सीक्रेट हो गया कि आप सुबह पांच किलोमीटर दौड़ो पांचवा सीक्रेट हो गया आप डिनर बंद कर दो तो सर इनमें से कौन सा काम करेगा इनमें से कोई भी काम करेगा इनमें से कोई भी काम करेगा आपको एक तो करो तो मैंने आज आपको जितने बताया ना माइंड बॉडी इमोशन का जो सिंक्रोनाइजेशन है उसके बाद आपकी बिलीफ सिस्टम है कि आप खुद का बिलीफ खुद के बारे में क्या करते हैं या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात होगी या फिर एक्सेलेंस लाना है हमें हमारे जो की पार्ट है ठीक है जो जो पार्ट कम्युनिकेशन की मैंने बात की क्लोजिंग की बात की वहां पे हमको एक्सपर्टीज लाना है इसमें से किसी भी सीक्रेट के ऊपर आप काम करोगे ना आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा और माई रिचार्ज करने का अगर सबसे पहला कोई फायदा है ना दोस्तों तो यह है बिजनेस एजुकेशन जो आपको यहाँ पे दिया है ये चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती ये नेटवर्क मार्केटिंग करने का ये माई रिचार्ज करने का नंबर वन बेनिफिट है बाकी सारे उसके बाद तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप अगली मीटिंग में एक नए व्यक्ति को लेकर आएंगे क्योंकि अभी हमारे हजार नहीं ये टास्क मैंने आपको दिया था ठीक है ये टास्क आपको लगाना है अगले गुरुवार को फिर जुड़ूंगा मैं आपके साथ उस मीटिंग तक आप कल से ही एक व्यक्ति को लाना शुरू कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको आठ दिन का टाइम दे रहा हूं सात दिन का कि कम से कम एक व्यक्ति को लाना और मैं उन सभी लोगों के लिए ताली बजवाऊंगा जो एक व्यक्ति को लेके आएंगे जो हाथ ऊपर के हाँ सर में एक व्यक्ति को लेके आया ठीक है तो इसी के साथ दोस्तों समय हमें अलाव नहीं करता है दुर्गा पूजा है त्योहार का समय है नवरात्रि भी चल रही है तो मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूं कि उन लोगों को शक्ति दे वीडियो चालू करने की जिनका वीडियो अभी तक बंद है कि उनको शक्ति दे कि वो अपने वीडियो को ऑन कर पाए तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह साढ़े छह बजे क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा विश ऑल द बेस्ट बी द बेस्ट माई रिचार्ज इज द बेस्ट जय माई रिचार्ज जय आयुर्वेदा जय हिंद